कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एचआरडी मिनिस्टर साहब ने इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस कहा जियो इंस्टीट्यूट को। ऐसा यूनिवर्सिटी, ऐसा इंस्टीट्यूट जो कहीं पर है ही नहीं, जिसका कोई वीसी नहीं, जिसका कोई प्रोफेसर नहीं। उसके अलावा आपने 1000 करोड़ रुपया दे दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप ले लीजिए। एचआरडी जो हायर एजुकेशन का बजट है, एचआरडी मिनिस्ट्री 50% कट कर चुकी है, 8000 करोड़ से 4000 करोड़। एसटीएससी स्कॉलरशिप आपका कट करके 50% पे ले आया है आप लोगों ने। बट आप हमारा पैसा दे रहे हैं उन लोगों को, अंबानी को कोई पैसे की कमी है, अडानी को कोई पैसे की कमी है। आप ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ एक कदम रख रहे हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ एक बड़ा कदम है, और एनएसयूआई इसका विरोध कर रही है। हम यहाँ पर गए, हमने एचआरडी मिनिस्ट्री का घेराव किया, अपनी बात रखी, और अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम इस प्रदर्शन को और बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। हालांकि प्रकाश जावेदकर ने सफाई दी है कि वो 1000 रुपए जियो को नहीं दिया जा रहा है। नहीं देखिए, आप जो भी इनमें नाम दिए उसके अलावा बहुत भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो सालों से चल रही है, आप ऐसी बात कर रहे हैं या ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कहीं पर प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम लेटर ऑफ इंटेंट दे रहे हैं 3 साल में बनेगा, मतलब ये तो वो विकास की चिड़िया है जो अब तक हमको मिली नहीं है, वो बुलेट ट्रेन है जो हमको पता नहीं है। आप अब सफाई दे रहे हैं, आप अपने बयान बदल रहे हैं, मगर आप हकीकत में देख लीजिए कि वही हो गया कि ये सरकार निकम्मी है और इन लोगों ने मिल के ये प्लान किया है। और ये जो भी अडानी और अंबानी है, इनकी यारी जो है चुनाव आ रहे हैं, तो ये आपको सामने दिख रही है। और एनएसयूआई इसका विरोध करते रहेगी, जो भी एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज मोदी गवर्नमेंट की होंगी, जो ये सरकार की होंगी, हम लोग कठोर से पूर्व विरोध करेंगे इसका।